हम आपको शिमला लेकर चलते हैं। किस तरह से सफेद चादर में शिमला के पहाड़ ढक चुके हैं, ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीर, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, सैलानी इसका लुत्फ उठा रहे हैं और बर्फ में पेड़ ढक चुके हैं, ट्रक कार के ऊपर भी बर्फ की चादर जमी हुई है। तस्वीरें देख सकते हैं लोग इस बर्फ की चादर में का लुत्फ उठा रहे हैं। बर्फ के बीच तिरंगा भी फहरा रहा है, जहां देखो वहां फैली है ये सफेद चादर। तो तस्वीरें देख सकते हैं हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ये खूबसूरत नजारा है शिमला का, जहां पर इस बर्फ के बीच लोग जो सैलानी है वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि जब सैलानी वहां पर पहुंचते हैं और अगर बर्फ ना मिले तो चेहरा उनका मायूस हो जाता है, लेकिन इस वक्त सभी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। विशाल हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विशाल, इस वक्त बेहद ही खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है, सैलानियों के चेहरे तो जाहिर सी बात है खिल उठे होंगे। जी बिल्कुल दीपाली, जैसे कि जो तस्वीरें अपने बयान करेंगे, रिज मैदान जो है शिमला का वो पूरी तरह एक सफेद सी चादर उसने ओढ़ रखी है और यही नजारा शिमला की जो बाकी इलाके हैं वहां का भी ऐसे ही नजारा है। और जो पर्यटक यहाँ पे आए हैं, जो सैलानी यहाँ पे आए हैं, वो भरपूर आनंद उठा रहे हैं इस बर्फबारी का। पर साथ ही इस बर्फबारी के चलते शिमला का जो यातायात है, जो ट्रैफिक है, वो ऑलमोस्ट एक स्टैंडस्टिल पे आ चुका है, क्योंकि काफी जगह जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि काफी जगह जो है पेड़ गिरे हैं, इसके चलते जो व्हीकुलर ट्रैफिक है वो स्टैंडस्टिल पे है। ये दीपाली, विशाल, तो क्या कुछ कोशिश की जा रही है जो लोग फंसे होंगे उनके लिए? अभी तक जो ग्राउंड रियलिटी जो अभी सामने आ रही है, क्योंकि अभी भी जो है वो बर्फबारी स्नोफॉल है अभी भी जारी है, तो जो पीडब्ल्यूडी विभाग है या जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक ऐसी कोई सफलता मिल नहीं पाई है। जी शुक्रिया विशाल ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक तरफ तो खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हर तरफ पेड़ गिर गए हैं, जिसकी वजह से यातायात में थोड़ी परेशानी हो रही है, जिसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग और साथ ही फॉरेस्ट विभाग भी लगा हुआ है। कई सालों बाद इतनी सुंदर बर्फ हम शिमला में देख रहे हैं, इसके लिए हम सब बड़े खुश नसीब है शिमला में नहीं बर्फ पड़ रही है। बाकी जो कल सुबह लग रहा था, अभी ऐसा कुछ सुहाना मौसम था ही नहीं, आज हनुमान जी की कृपा से पूरा शिमला ने जो है सफेद चादर ओढ़ ली है। और आने वाले में मुझे लगता है कि जो होटल वाले और टूरिस्ट सीजन वाले लोग दुखी हुए थे कि पता नहीं काम चलेगा नहीं चलेगा, उनका सीजन खुलेगा, उनको अच्छा काम मिलेगा और शिमला के लिए एक अच्छा समय आया है। ये तो एक फुट से ऊपर जम चुकी है, ऐसा सोचा ही नहीं था। बहुत फॉर्चुनेट है हम क्या, मैं ये देखने का मौका मिला और बहुत अच्छा लग रहा है। ब्यूटीफुल और इंचांटिंग नज़ारा है, और काफ़ी ठंड बढ़ गई है यहाँ पे, स्नोफॉल हो गई है बहुत अच्छी। कल तक धूप निकली हुई थी और काफ़ी कम स्नो थी, थोड़े बहुत स्नो के शावर्स हो रहे थे, लेकिन अब पूरे प्रॉपर एक डेढ़ फुट तक स्नो भर चुकी है। बहुत बहुत मज़ा आ रहा है।